हेलो ऑल, मैं हूं डॉक्टर आरती, एक नेचुरल हेल्थ एंड ब्यूटी एक्सपर्ट। और आज मैं आपके साथ हूं एक ऐसा फेस पैक लेकर जो कि आपकी सारी समस्याओं का हल है। अगर आपके चेहरे पर ब्लैक हेड्स हैं, आपके चेहरे पर काले धब्बे हैं, झाइयाँ हो गई हैं, चेहरा मुरझाया हुआ लगता है, आपको ग्लोइंग स्किन चाहिए, कुछ दिनों बाद घर में कोई फंक्शन है और उसके लिए आप तैयारी कर रही हैं, और कोई एक अच्छा सा फेस पैक आप देख रही हैं, हर्बल 100% नेचुरल, तो ये जो पैक आज मैं बताने वाली हूँ ये इन सारी प्रॉब्लम्स का आंसर है। इस पैक की सबसे अच्छी बात ये होती है कि ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ कोई स्किन की प्रॉब्लम है तभी आप इसको यूज़ करें। स्किन मेंटेनेंस जो होता है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं भी है और बस एक स्किन मेंटेनेंस की अच्छी आपकी स्किन बनी रहे, हेल्दी दिखे, ग्लोइंग दिखे, एंटी एजिंग आप क्वालिटी किसी पैक में चाहती हो, ऐसे कुछ गुण किसी पैक में हो, वो सारी क्वालिटीज़ भी अगर आप चाहती हैं और आप मार्केट में कुछ ऐसा देख रही हैं तो ये फेस पैक उस लिहाज से भी बहुत बहुत इफ़ेक्टिव है। मैं आपको काफ़ी कुछ बताने वाली हूँ इस वीडियो में, आपके साथ बहुत सारी बातें करने वाली हूँ, आपको कई सारी टिप्स देने वाली हूँ। तो सिर्फ एक फेस पैक नहीं, और भी कई सारी चीज़ें, अच्छी अच्छी बातें मैं आपको बताने वाली हूँ जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं जानना और बहुत काम की हैं आपके लिए। तो इसलिए थोड़ा पेशेंस रखें और पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहला इंग्रेडिएंट ले रही हूँ, वो है मंजिष्ठा। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने एक हेयर डाई आपको बताई थी, हेयर कलर, नेचुरल हेयर कलर आपको बताया था, और उसे मैंने मंजिष्ठा यूज़ किया था। और उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि किस तरह से मंजिष्ठा आपकी स्किन के लिए बेनिफिशियल होती है। एक नेचुरल जो हम अगर बोले आयुर्वेद की भाषा में तो वर्ण शोधक होती है। वर्ण शोधक यानी कि जो पिगमेंट होता है, जो मेलानिन होता है, जो कि मेनली रीज़न होता है सारी समस्याओं के लिए, चाहे ब्लैक स्पॉट्स हों, सॉरी स्पॉट्स हों, या फिर झाइयाँ आपके चेहरे पर हों, काले धब्बे पे, हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो, मलास्मा आपको हो गया हो, कलास्मा हो, सारी मेडिकल टर्म है तो हो सकता है कि आपको ना समझ में आए, लेकिन ये सारी रिलेटेड है आपकी स्किन से, जिनमें कि चेहरे का जो हमारा रंग होता है वो दब जाता है, दाग धब्बे जिसमें दिखने लगते हैं, ब्लेमिशेस जिनको बोलते हैं कि काले काले झाइयाँ या दाग जब दिखने लगते हैं, तो उन सारी समस्याओं के लिए मंजिष्ठा बहुत इफ़ेक्टिव होती है। तो इसे आप अपने घर में ज़रूर रखें, और अपने अगर आप कोई भी फेस पैक यूज़ करती हैं तो उसमें इसको ज़रूर यूज़ करें। इसके बाद जो मैं अगला इंग्रेडिएंट ले रही हूँ वो है लिकोराइस पाउडर, या फिर हिंदी में मुलैठी, या फिर आयुर्वेद में इसे यष्टि मधु भी बोलते हैं। यष्टि मधु या लिकोराइस के फेस पैक मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, अगर आप देखना चाहती हैं तो ये जो लिंक आ रही है आप इस पर क्लिक करके उनको फेस पैक को देख सकती हैं। यष्टि मधु बहुत इफ़ेक्टिव होती है आपके स्किन टोन को इम्प्रूव करने में। अगर आपको कोई स्किन प्रॉब्लम है, अगर पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, झाइयाँ आपके चेहरे पर हो जाती हैं बहुत जल्द, आपकी स्किन टैन हो जाती है बहुत जल्दी, यानी कि बस थोड़ा सा आप बाहर निकले, धूप में निकले और आपकी स्किन टैन हो गई, तो उस स्थिति में यष्टि मधु या लिकोराइस पाउडर बहुत इफ़ेक्टिव होता है इस प्रॉब्लम को ठीक करने में, साथ ही साथ आपकी ओवरऑल आपकी स्किन को स्मूथ बनाने में, टेक्स्चर स्मूथ करने में, स्किन की इलास्टिसिटी बढ़ाने में, तो इसलिए मैं ले रही हूँ यष्टि मधु पाउडर। अगला जो इंग्रेडिएंट है वो मैं ले रही हूँ चंदन। यहाँ पर मैंने एक चंदन का पाउडर बनाया, मैं आपको दिखाऊंगी। ये जो चंदन सैंडलवुड स्टिक्स हैं, दो तरह की स्टिक्स हैं, आयुर्वेदानुसार दो तरह के चंदन होते हैं, एक हम बोलते हैं श्वेत चंदन या सफ़ेद चंदन, और एक ये होता है रक्त चंदन या रेड सैंडलवुड स्टिक। मार्केट में ये दो तरह से अवेलेबल होता है, तो आप इसे ऑनलाइन ले सकती हैं या फिर किसी आयुर्वेद ड्रग स्टोर है तो वहाँ से ले सकती हैं। स्टिक के बारे में मैं यहाँ इसलिए बता रही हूँ सैंडलवुड स्टिक के बारे में, क्योंकि
इसकी अगर हम प्योरिटी की बात करें, शुद्धता की बात करें, तो स्टिक के साथ एक वो डाउट हमारे मन में नहीं रहता है, 100% गारंटी रहती है शुद्धता की। लेकिन अगर आपके आसपास कहीं ऐसी जगह अवेलेबल नहीं है जहां से आप ये स्टिक्स ले सकती हैं, तो फिर इस कंडीशन में आप सैंडलवुड पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, किसी ट्रस्टेड ब्रांड का ही सैंडलवुड पाउडर लें, जहाँ से आप जहाँ शुद्धता की गारंटी हो और 100% शुद्ध सैंडलवुड पाउडर मिले। अगला इंग्रेडिएंट मैं ले रही हूँ वो है बीटरूट जूस। बीटरूट जूस मैं अभी कुछ दिन पहले मैंने एक हेयर कलर बनाया था, एक उसके ऊपर वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बीटरूट यूज़ किया था। तो वहाँ पर मैंने बताया था कि कैसे हम बीटरूट यूज़ कर सकते हैं और उसका जूस निकाल सकती हैं। इसके लिए आपको बस करना क्या है, बस बीटरूट लीजिए, उसको अच्छी तरह से साफ़ कीजिए, धोइए, और इसके बाद उसको पील करके ऊपर से किसी से किस लें, छोटे छोटे उसको उसके टुकड़े कर लें किस कर, और फिर उसके बाद वो जो किसी हुई बीटरूट है उसे हाथ से दबा कर या फिर किसी छन्नी से दबा कर उसका रस निकाल लें। बड़ी आसानी से आपको ये रस मिल जाएगा। बीटरूट सुपर अमेजिंग इंग्रेडिएंट है, सुपर स्टार है जब हम बात करते हैं स्किन केयर की, बिकॉज इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, विटामिन्स होते हैं कई सारे जो स्किन को ग्लो करते हैं नेचुरली। स्किन की कोई भी प्रॉब्लम है तो उसे दूर करते हैं, और एक बहुत अच्छी सुंदर जो पिंकिश ग्लो होती है, चमक होती है, वो चेहरे पर देते हैं जो यूजुअली आजकल हर कोई अपने चेहरे पर जाता है नेचुरली। सो मैं बीटरूट यूज़ कर रही हूँ। यहाँ एक बात मैं बताना चाहूँगी स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी कि अभी अभी शादी होने वाली है या फिर घर में कोई फंक्शन है जो उन्हें अटेंड करना है और बस चाहते हैं कि स्किन सबसे सुंदर दिखे, सबसे अलग दिखे, तो बीटरूट को आप या तो इस जूस को पीना शुरू करें, और नहीं तो फिर जो बीटरूट होती है उसको ऐसे ही रॉ फॉर्म में सैलड में सैलड की तरह खाना शुरू करें। क्योंकि इंटरनली भी अगर आप बीटरूट लेते हैं तो इसका डबल इफेक्ट होता है, जल्दी यह इफेक्ट अपना दिखाती है और डेफिनेटली आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो इस पैक में मैं ले रही हूँ बीटरूट जूस। इसके बाद जो अदर इंग्रेडिएंट है वो है केसर। केसर आई नो कि बहुत एक्सपेंसिव होता है और हम बहुत सोच समझ कर इसको यूज़ करते हैं, बड़ा सहेज कर रखते हैं इसको ख़ास मौक़ों पर यूज़ करने के लिए। लेकिन स्किन केयर की भी अगर हम बात करते हैं तो वो भी बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक बात है सैफ्रॉन की या केसर की, तो आपका चाहे बात रंग निखारने की हो, चेहरे के दाग धब्बे कम करने की हो, चेहरे पर चमक लाने की बात हो, झुर्रियाँ कम करनी हो, किसी भी तरह की समस्या के लिए केसर बहुत अच्छा माना जाता है। सदियों से यूज़ होता आ रहा है स्किन केयर प्रोडक्ट्स में, स्किन केयर पैक्स में। तो यहाँ मैं ले रही हूँ केसर। बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, बस गिनकर 8 से 10 इसके जो रेशे हैं, जो इस तरह के ये जो रेशे होते हैं स्ट्रेंथ्स जिनको बोलते हैं, तो 8 से 10 स्ट्रेंथ्स ही आपको लेनी है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। तो डरिए मत, काफ़ी सारा आपका यूज़ नहीं होगा, बस थोड़ी सी इसकी क्वान्टिटी है वो हमें यूज़ करनी है। इसके बाद जो बड़े कॉमन से इंग्रेडिएंट हैं उनमें शामिल है हल्दी, हम सब की फेवरेट हल्दी, टर्मरिक पाउडर, जो हमेशा से यूज़ होती आ रही है, अच्छी मानी जाती है फेस पैक्स के लिए, चाहे फिर वो आपका रंग निखारना हो, आपकी स्किन टैन हो गई हो तो उसे ठीक करना हो, या फिर झाइयाँ कम करनी हो, या फिर मुहासों के दाग निकालने हों, कोई भी समस्या हो हल्दी तो यूज़ होनी ही होनी है। तो ले रही हूँ मैं हल्दी। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ फुलर्स अर्थ या मुल्तानी मिट्टी का पाउडर। मुल्तानी मिट्टी बहुत अच्छी एक नेचुरल एस्ट्रिंजेंट होती है। एस्ट्रिंजेंट मीन्स वो प्रॉपर्टी जो कि आपके स्किन का जो अननेसेसरी ऑयल होता है उसको आपके स्किन पोर्स से खींच लेती है। तो जब आप फुलर सर्थ या मुल्तानी मिट्टी आपके चेहरे पर लगाते हैं तो ये बहुत डीपली आपकी स्किन को क्लीन करती है, अंदर से क्लीन करती है, और जो पोर्स में एक्स्ट्रा डर्ट होती है, ऑयल होता है, उसे बाहर खींचती है, निकालती है, उन्हें अंदर से साफ करती है और आपको एक बहुत सुंदर ग्लोइंग स्किन देती है। तो मैं यूज़ कर रही हूँ फुलर सर्थ।
लास्ट इंग्रेडिएंट है जो मैं यूज़ कर रही हूँ इस पैक को बनाने के लिए, वो है कर्ड। कर्ड के बारे में मैं आपको बहुत कुछ बता चुकी हूँ अपने पिछले वीडियो में। हमेशा मैं आपको बताती हूँ कि इसमें बहुत अच्छी नेचुरल प्रॉपर्टी होती है स्किन को एक्सफोलिएट करने की। अब एक नई चीज़ मैं जो यहाँ आपको बताना चाहती हूँ, जो कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि मैं लगभग अपने हर वीडियो में बात करती हूँ स्किन एक्सफोलिएशन की, तो क्यों वो ज़रूरी है हमारी स्किन के लिए, क्यों हमें करना चाहिए। तो उसका आंसर ये है कि स्किन एक्सफोलिएशन हम उसको बोलते हैं, एक ऐसी प्रोसेस होती है जो कि आपके चेहरे पर जो डेड स्किन होती है उसको निकालती है। अब बात करें अगर डेड स्किन की, तो डेड स्किन कहाँ से आती है, तो जो हमारी त्वचा होती है, सिर्फ चेहरे की ही नहीं, कहीं की भी बॉडी में, कहीं की भी हाथ की, पैर की, गर्दन की, कहीं की भी त्वचा, उसमें टेंडेंसी होती है कि इनविजिबली वो निकलती रहती है, झड़ती रहती है। ऐसा नहीं है कि वो दिख रही है आपको, कि बस दिख रही है और आपकी त्वचा ये देखो झड़ रही है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इनविजिबली बहुत कम मात्रा में वो धीरे धीरे निकलती रहती है, और अगर आप उसको वैसे तो नेचुरली वो झड़ जाती है, निकल जाती है, लेकिन फिर भी कई केसेस में, स्पेशली जब आपकी स्किन ऑयली हो या फिर आप बहुत ज़्यादा मेकअप यूज़ करती हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स यूज़ करती हैं, तो उस केस में जो डेड स्किन होती है वो निकल नहीं पाती है, जम जाती है, और उसके कारण जो आपके पोर्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं। तो अगर बहुत शुद्ध भाषा में मैं कहूँ, लेमेंस लैंग्वेज जैसे बोलते हैं उसमें कहूँ, तो आपकी जो त्वचा होती है वो सांस नहीं ले पाती है खुलकर, और जब वो सांस नहीं ले पाती है तो फिर वो डल दिखने लगती है, निस्तेज हो जाती है, उसकी ग्लो चली जाती है, चमक चली जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन हमेशा ग्लो करती दिखे, चमक उस पर रहे, हमेशा एकदम रेडियंट स्किन जो बोलते हैं वैसी दिखे, तो डेड स्किन को हटाना बहुत ज़रूरी होता है। और इसके साथ ही जो एक दूसरा रीज़न होता है वो ये होता है कि डेड स्किन जब आप निकालते हैं, एक्सफोलिएट आप अपनी स्किन को करते हैं, तो इसके बाद जो आप कोई भी क्रीम यूज़ करते हैं, कोई भी सीरम आप फेस पर लगा रहे हैं, या फिर कोई फेस पैक आप यूज़ कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है आपकी स्किन पर, क्योंकि वो और ज़्यादा आपकी स्किन पर अंदर एब्जॉर्ब होता है, डीपली एब्जॉर्ब होता है, अंदर तक जाता है स्किन में, तो उसके फ़ायदे और बढ़ जाते हैं। तो इसलिए भी स्किन एक्सफोलिएशन ज़रूरी होता है। तो अगर जहाँ तक बात करें हम कर्ड की, तो कर्ड बहुत अच्छा माना जाता है स्किन एक्सफोलिएशन के लिए। तो इस पैक में तो मैं यूज़ कर ही रही हूँ, लेकिन अगर आप वैसे भी एक बहुत क्विक एक्सफोलिएशन चाहती हैं, स्किन एक्सफोलिएशन, तो बस थोड़ा सा दही लें, उसमें एक चुटकी हल्दी मिलाएं, और दोनों को आपस में अच्छी तरह से मिलाकर अपने चेहरे पर 5 मिनट के लिए हल्के हाथों से मसाज करें, और फिर अगले 5 मिनट के लिए चेहरे पर छोड़कर हल्के गुनगुने पानी से धो डालें। इतना स्किन एक्सफोलिएशन के लिए काफ़ी है, क्योंकि इसमें जो लैक्टिक एसिड होता है, जो स्किन एक्सफोलिएटिंग एंजाइम्स होते हैं, बहुत इफ़ेक्टिवली काम करते हैं आपकी स्किन पर, और जो डेड स्किन होती है उसको हटाते हैं। तो चलिए लौट के आते हैं अपने फेस पैक पर। तो फेस पैक बनाने के लिए मैं ले रही हूँ ये कर्ड। अब हम शुरू करते हैं अपना फेस पैक बनाना। उसके लिए मैं ले रही हूँ एज यूजल एक बहुत साफ क्लीन बाउल, और लेना हम शुरू करते हैं अपनी सामग्री। तो सबसे पहले मैं लूँगी मंजिष्ठा, मैं यहाँ लूँगी सिर्फ 1 चम्मच, ये लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं लिकोराइस पाउडर की। तो लिकोराइस पाउडर मैं ले रही हूँ 1 चम्मच, ये लीजिए। इसके बाद मैं बात करूंगी टर्मरिक की, तो टर्मरिक मैं ले रही हूँ लगभग 1/2 चम्मच, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हल्दी लेंगी तो चेहरा पूरा पीला पड़ जाएगा, जो कि अच्छा नहीं दिखेगा। तो सिर्फ ले रही हूँ 1/2 चम्मच हल्दी, काफ़ी होती है 1/2 चम्मच हल्दी भी, क्योंकि बहुत इफ़ेक्टिव होती है टर्मरिक। इसके बाद मैं बात करूं मुल्तानी मिट्टी की, तो मुल्तानी मिट्टी मैं ले रही हूं 1 चम्मच, पूरा 1 चम्मच, ये लीजिए। इसके बाद मैं बीटरूट जूस ले रही हूं 1 चम्मच, सॉरी बीटरूट जूस लूंगी मैं 2 चम्मच, ये लीजिए। और फिर इसके बाद जो मैंने चंदन घिसकर जो चंदन का पेस्ट बनाया है, ये देखिए, अच्छे साफ पत्थर पर घिसकर मैंने
पेस्ट बनाया है। यहाँ पर बहुत ध्यान आपको रखना है कि जो जिस पत्थर पर आप चंदन घिसकर पेस्ट बनाते हैं वो अच्छा, बहुत अच्छा साफ होना चाहिए, क्योंकि अगर वो साफ नहीं होगा तो अलग तरह की प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, स्किन इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएगा। तो एक बहुत साफ, चाहे तो गर्म पानी से उस पत्थर को धो लें और उस पर घिसकर जो सैंडलवुड स्टिक है उसको घिसकर आप या तो रोज़ वाटर के साथ घिसकर बना सकते हैं या फिर आप प्लेन वाटर भी ले सकती हैं। यहाँ पर मैंने रोज़ वाटर में घिसकर ये पेस्ट बनाया है और लगभग लगभग एक चम्मच ये है, तो ये लीजिए एक चम्मच ये है, ये देखिए पूरा एक चम्मच है, ये मैं ले रही हूँ सैंडलवुड पेस्ट। और इसमें मैं मिलाऊंगी ये जो सैफ्रॉन की जो स्ट्रेंथ है, लगभग 8 से 10 लेनी है, ये लीजिए 8 से 10 मैं इसमें मिलाऊंगी, बस काफ़ी है 8 से 10। और पेस्ट को बनाने के लिए मैं इसमें मिलाऊंगी कड़, कड़ उतना लेना है जिससे कि आपका पेस्ट अच्छी तरह से बन जाए, कोई निश्चित मात्रा नहीं है कड़ की, बस उतना लें जिससे आपका पेस्ट अच्छी तरह से मिल जाए, आपस में बच जाए। थोड़ा सा और मिलाऊंगी। इस पेस्ट को बनने के बाद इसे कम से कम 10 मिनट के लिए आप अलग रख दें, क्योंकि क्या होता है कि हम जब कई सारी चीज़ें आपस में मिलाते हैं तो उन्हें आपस में मिलकर उनके गुण एक सार होने के लिए भी थोड़ा टाइम चाहिए होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है बस जल्दी जल्दी में हमने पेस्ट बनाया और बस तुरंत चेहरा धोया और उसको लगाना शुरू कर दिया और लगा लिया चेहरे पर, वो आपस में अच्छी तरह से मिल ही नहीं पाता, उसमें अंदर आपस में जो चीज़ें होती हैं अच्छी तरह से मिल ही नहीं पाती हैं, और फिर इसके बाद हम कंप्लेन करते हैं कि कोई इफ़ेक्ट नहीं दिखा या फिर जो रिजल्ट मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले। तो कई बार एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी होता है, इसलिए सिर्फ यही पेस्ट नहीं, कोई भी पेस्ट आप बनाती हैं तो इसको बनाने के बाद कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए इसको सेट होने के लिए ज़रूर रखें। अब इसको अगर लगाने की बात करें तो अपना चेहरा हल्के गुनगुने पानी से धोएं, ध्यान दें मैं यहाँ बोल रही हूँ हल्का गुनगुना पानी, तो हल्के गुनगुने पर बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, बहुत ठंडा नहीं होना चाहिए, अपने चेहरे को अच्छी तरह से साफ करें, हल्के चेहरे और गर्दन दोनों को हल्के गुनगुने पानी से धोएं, और इसके बाद इस पेस्ट को लें और सर्कुलर मोशन में घुमाते हुए एंड अंदर से बाहर की तरफ घुमाते हुए अपने चेहरे पर और गर्दन पर लगाएं और 5 मिनट्स के लिए जेंटली मसाज करें, जेंटल मसाज मीन्स बहुत हल्की मसाज करें, और फिर 5 मिनट के बाद इसको चेहरे पर लगा रहने दें, ऐसे ही छोड़ दें कम से कम अगले आने वाले 20 से 25 मिनट के लिए इसको अपने चेहरे पर लगा रहने दें। और जब 20 से 25 मिनट हो जाए तो फिर जब ये अगले और यह सूख भी जाएगा इस दौरान, तो हल्के से कुछ पानी के छींटे अपने चेहरे पर डालें और जब यह गीला हो जाए तो हल्के हाथों से घुमाते हुए इसको छुटाएं और फिर अपना चेहरा गुनगुने पानी से धो डालें। एक और बात जो मैं यहाँ बताना चाहूँगी, किसी ने मुझसे पूछा था कि फेस पैक लगाने के बाद उसको कैसे धोना चाहिए, तो कई लोगों की आदत होती है कि फेस पैक जब सूख जाता है तो उसको बस ऐसे ही छुटाना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत गलत है, क्योंकि जब आप कोई भी फेस पैक आप स्किन पर लगाते हैं, यही फेस पैक नहीं कोई भी फेस पैक आप अपनी स्किन पर लगाते हैं, तो उस दौरान आपकी स्किन सेंसिटिव हो जाती है, बहुत डेलिकेट हो जाती है, और जब वो सूखा हुआ पेस्ट आप अपने चेहरे पर रगड़ते हैं तो इससे आपकी स्किन को हर्ट होने का डर रहता है, स्किन पर विंकल्स आने का डर रहता है, तो इसीलिए उसको छुटाने के लिए चेहरे पर छींटे मारे पानी के थोड़ी सी देर इंतज़ार करें, लगभग 1 से 2 मिनट, इस दौरान आपका वो पेस्ट वो गल जाएगा, दोबारा गीला हो जाएगा, और फिर उसको हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए पानी के साथ छुटाएं। इसी तरह से आपको ये पैक भी छुटाना है, तो इस पैक को आप यूज़ कर सकती हैं डेली, अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, लाइक आपको कुछ क्विक रिजल्ट चाहिए, किसी फंक्शन की आप तैयारी कर रही है, तो इस पैक को आप दिन में 2 बार भी यूज़ कर सकती हैं 15 से 20 मिनट के लिए, क्योंकि इस पैक में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि आपकी स्किन को हार्म करे, या फिर हम कहें कि ओवर यूज़ आपकी स्किन पर हो जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सारे इंग्रेडिएंट बहुत इफ़ेक्टिव हैं और बहुत जेंटल हैं और
बहुत जेंटली आपकी स्किन पर वर्क करते हैं। तो अगर आप चाहती हैं तो इसको बनाकर आप अपने फ्रिज में रख लें, 2 दिन तक आप इसको रख सकती हैं अपने फ्रिज में। और अगर दिन में 2 बार यूज़ करती हैं तो 15 से 20 मिनट के लिए इसको लगाएं, और फिर जैसा कि मैंने बताया हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए छुटा लें। और अगर स्किन मेंटेनेंस के लिए आप इसको यूज़ करना चाहती हैं तो हफ्ते में 2 से 3 बार लगभग 25 से 30 मिनट के लिए इसको अपने चेहरे पर यूज़ करें। तो देखा आपने कितना आसान है एक बहुत ही अच्छा फेस पैक बनाना, एक स्किन जो आपकी स्किन को मेंटेन करता है, आपकी ब्यूटी मेंटेन करता है, आपको ग्लोइंग स्किन देता है, आपकी स्किन की प्रॉब्लम्स को कम करता है। बहुत अच्छा हर्बल पैक है ये, आयुर्वेद पैक है। और मैं ज़रूर ज़रूर आपको सलाह दूंगी कि इसको आप कोई पैक यूज़ करें ना करें, लेकिन इस पैक को आप, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आपकी एज कुछ भी हो, इसको आप ज़रूर यूज़ करें। इस वीडियो को आप और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि वो भी इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकें। और साथ ही जो हमेशा की तरह आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, कोई ब्यूटी प्रॉब्लम है, तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेरे साथ शेयर करें, या फिर आप पर्सनली भी मुझे लिख सकती हैं। मुझे बहुत खुशी होगी आपकी हेल्प करने में, आपको रिप्लाई करने में। और साथ ही अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, जैसे कि आगे मैं जो आपको हेल्थ टिप्स और ब्यूटी टिप्स देने वाली हूँ वो आप मिस ना करें। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर से मैं आपको मिलूँगी एक कोई नई हेल्थ या ब्यूटी रेमेडी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।